Hello, students. Today we will read class 2, second chapter of Gulmohar. The Old Rabbit, adapted from Ajanta Apartments by Eleanor Watts. Amit had a toy rabbit. Amit ke paas ekhilone ek wala rabbit tha. It was old and dirty, but Amit loved it. वो पुराना और गंदा था मगर अमित को उससे बहुत प्यार था अमित्स मदर डि नॉट लाइक अमित्स टॉय रैबिट। अमित की माँ को अमित का टॉय रैबिट नहीं पसंद था थ्रो इट अवे आई विल यू अ न्यू टॉय शी सेड उसकी माँ ने कहा कि इसे फेंक दो मैं तुम्हें नया खिलौना खरीद दूंगी आई डोंट वॉन्ट अ न्यू टॉय सेड अमित अमित ने कहा मुझे नया खिलौना नहीं चाहिए आई लव माई रैबिट मुझे मेरे रैबिट से बहुत प्यार है वन डे अमित पेरेंट्स टुक अमित सिस्टर ज्योति टू अ फेयर एक दिन अमित के पेरेंट्स ने उसके मम्मी पापा ने उसे और उसकी बहन ज्योति को मेले में ले वो मेले में ले गए उसे और उसकी बहन को अमित टुक हिज रैबिट विथ हिम और अमित अपने रैबिट को भी अपने साथ ले गया दे ऑल गोट ऑन अ बस सून दे वेयर एट द फेयर और वो बस पे चढ़कर जल्दी ही फेयर में पहुंच गए देर वेर अ लॉट ऑफ राइड्स एंड shops एट द फेयर उस मेले में बहुत सारे झूले थे और बहुत सारी दुकानें थीं। देर वेर मैनी toys एंड थिंग्स टू ईट टू वहाँ पे बहुत सारे खिलौने भी थे और बहुत सारे खाने की चीजें भी थीं अमित एंड ज्योति वे वेरी हैप्पी अमित और ज्योति काफी खुश थे अमित ज्योति एंड देयर पेरेंट्स गॉट ऑन द जॉइंट व्हील फर्स्ट अमित और उसके पेरेंट्स पहले किस पे चढ़ते हैं जॉइंट व्हील पे आप डायग्राम में देख सकते हैं जॉइंट व्हील जिसे हम लोग हिंदी में तारा मांझी कहते हैं पहले उसके पेरेंट्स और वो दोनों अमित और ज्योति भाई बहन जाइंट व्हील पे चढ़ते हैं सून हाई अप इन द एयर और जल्दी ही वो ऊपर हवा में होते हैं दे हैड अ लॉट ऑफ फन उन्होंने काफी मजा किया अमित हग्ड हिज रैबिट टाइटली ही वॉज रादर एफ्रेड अमित अपने रैबिट को बहुत जोर से हग कर लेता है पकड़ लेता है गले लगा लेता है और वो बहुत डरा हुआ है आई एम ग्लैड आई हैव गॉट माई रैबिट विथ मी ही थाट और वो सोचता है कि अच्छा हुआ मैं अपने रैबिट को अपने साथ ले आया नेक्स्ट दे वेंट फॉर अ कैमल राइड इट वॉज रैदर बम्पी और उसके बाद वो लोग कैमल राइड पे जाते हैं जो कि बम्पी था मतलब ऊपर नीचे और आगे पीछे मूव होता था होल्ड ऑन टाइट सेड हिज फादर उसके फादर कहते हैं कि जोर से पकड़ो सडनली अमित फाउंड हिज रेबिट वॉज नॉट देर और अमित थो, थोड़ी देर बाद वो रियलाइज करता है कि उसका रैबिट उसके पास नहीं है उसे लगता है मेरा रैबिट मेरे पास नहीं है उसे पता चलता है ही वॉज वेरी सैड एंड बिगेन टू क्राई और वो बहुत दुखी होता है और रोने लगता है वेअर इज माई रेबिट क्राइड अमित अमित रो रोने लगता है और कहता है मेरा रैबिट कहाँ है लेट मी गेट ऑफ आई वॉन्ट आई मस्ट लुक फॉर माई रैबिट और वो कहता है मुझे उतरना है मुझे उतरने दो मुझे मेरे रैबिट को ढूंढना है अमित ज्योति एंड देयर पेरेंट्स लुक्ड फॉर अमित टॉय रैबिट एवरीवेयर अमित ज्योति और उसके पेरेंट्स अमित के खिलौने वाले रैबिट को हर जगह ढूंढने लगे बट दे डिड नॉट फाइंड इट एनी मगर वो टॉय रैबिट उन्हें कहीं भी नहीं मिला लेट मी बाय यू अ टॉय डॉग इट्स क्लीनर एंड बिगर देन योर रैबिट, सेड अमित मदर अमित की मम्मी उससे कहती हैं कि चलो मैं तुम्हें एक टॉय डॉग खरीद देती हूँ खिलौने वाला कुत्ता खरीद देती हूँ काफी साफ है बड़ा है तुम्हारे रैबिट से बट अमित वॉज नॉट हैप्पी सो दे बॉट द टॉय डॉग बट अमितॉज नॉट हैप्पी और उन्होंने उसके लिए टॉय डॉग खरीद दिया मगर अमित खुश नहीं था सडनली ज्योति सो लिटिल गर्ल शी वॉज होल्डिंग थोड़ी देर बाद ज्योति ने एक छोटी लड़की को देखा अचानक ज्योति ने एक छोटी लड़की को देखा जिसने की अमित का टॉय रेबिट पकड़ रखा था दैट्स माई ब्रदर्स रैबिट से ज्योति टू द गर्ल प्लीज गिव इट टू हिम उसने उस छोटी लड़की को ज्योति ने उस छोटी लड़की को कहा कि ये मेरे भाई का रैबिट है प्लीज उसे तुम ये दे दे दो आई फाउंड इट इट्स माई नाउ सेट द गर्ल वो लड़की कहती है कि ये मुझे मिला है ये मेरा है अब आई विल गिव यू दिस न्यू टॉय डॉग सेट अमित अमित उससे कहता है कि अगर तुम मुझे मेरा टॉय रैबिट दे दोगी तो मैं तुम्हें ये न्यू टॉय डॉग दूंगा द लिटिल गर्ल थॉट अबाउट इट फॉर अ वाइल ऑल राइट शी सेड एट लास्ट और थोड़ी दे, थोड़े देर तक वो सोचती है और फिर लास्ट में क्या कहती है कि हाँ ठीक है अमित मदर वॉज रैदर क्रॉस द डॉग वॉज मच क्लीनर देन द रैबिट शी सेड और अमित की मम्मी वहां आती हैं और उस, उसके बात को काटती हुई कहती हैं कि नहीं अमित ये टॉय डॉग जो है वो काफी क्लीन है बहुत साफ है तुम्हारे टॉय रैबिट से बट अमित वॉज वेरी हैप्पी टू गेट हिज ओल्ड रैबिट बैक एंड नेवर लॉस्ट इट अगेन मगर अमित को वो नया डॉग नहीं चाहिए था उसे अपना ही पुराना रैबिट चाहिए था और उसने उसे वापस ले लिया और फिर उसने उसे कभी नहीं खोया सो दिस वॉज योर स्टोरी आपका स्टोरी पूरा हो गया है Now we will discuss the exercise. Exercise Understanding the Text. Answer these questions in one or two sentences. First question What did Amit's mother want him to do with his toy rabbit? Amit's mother wanted him to throw away his toy rabbit. Question 2. How did Amit's family go to the fair? Amit's family went to the fair by bus. Question 3. What did Amit's family do first at the fair? Amit's family first got on the giant wheel. Question 4. Who found Amit's rabbit? A little girl found Amit's rabbit. Question 5. Why was Amit happy? Amit was happy because he got his rabbit back. Who said these lines? Write the name next to each sentence. I don't want a new toy. Amit. Hold on tight. Amit's father. Let me buy you a toy dog. Amit's mother. That's my brother's rabbit. Jyoti. It's mine now. The girl the little girl structure look at these sentences look at these pictures and read these sentences this is amit this is amit's toy rabbit you can see this apostrophe s you can see apostrophe s ये देखिए एपोस्ट्रॉफी एस अमित के साथ एपोस्ट्रॉफी एस है एपोस्ट्रॉफी एस क्यों लगता है जब हम किसी चीज की किसी चीज के बारे में बात करते हैं अमित टोयरा रैबिट अमित का रैबिट देन वी यूज दिस एपोस्ट्रॉफी एस दिस इज ज्योति शी इज अमित सिस्टर ये ज्योति है ये अमित की बहन है तो यहाँ क्या दिखा रहे हैं अमित के साथ रिलेशन दिखा रहे हैं वो अमित की बहन है तो अमित सिस्टर दीज आर अमित एंड ज्योतिज पेरेंट्स ये अमित के और ज्योति के पेरेंट्स हैं। जब किसी के साथ कोई रिलेशनशिप दिखाया जाए किसी चीज का किसी के साथ बिलोंग करना दिखाया जाए तो अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं वी यूज एपोस्ट्रॉफी एस आफ्टर अ नाउन हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज नाउन के बाद करते हैं नाउन क्या है किसी भी चीज का नाम किसी भी आदमी का नाम किसी भी जगह का नाम नाउन होता है नेम नेमिंग वर्ड्स आर नाउन टू शो दैट समथिंग बिलोंग टू समवन कोई चीज किसी चीज से बिलोंग करती है ये दिखाने के लिए कोई चीज किसी की है या किसी के साथ बिलोंग करती है किसी दो चीज का रिलेशन दिखाने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं आपके ऊपर वाले सेंटेंस में हम ज्योति की बात करें दिस इज ज्योति ज्योति का रिलेशन किसके साथ है अमित के साथ है शी इज अमित सिस्टर किसकी बहन है वो अमित की बहन है तो अमित के साथ उसका रिश्ता है तो उसके रिलेशनशिप को दिखाने के लिए उसके बिलोंगिंग को दिखाने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं दीज आर अमित एंड ज्योतिज पेरेंट्स अमित और ज्योति के पेरेंट्स हैं किससे बिलोंग करते हैं ये पेरेंट्स किसके साथ अमित और ज्योति के साथ इसलिए एपोस्ट्रॉफी एस यूज वाई यू वी यूज अपोस्ट्रॉफी एस टू शो द रिलेशन और फॉर ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स ओके और किसी दो इंसान का रिलेशन दिखाने के लिए यूज़ करते हैं या फिर किसी सामान के लिए अगर यूज़ किया जाता है तो वो सामान जिसका है उसके लिए यूज़ करते हैं उसका रिलेशन दिखाने क्योंकि उसके उसका बिलोंग करता है ये सामान उसका है ये सामान ओके पोस्ट एस नाउ लुक एट द पिक्चर्स इन कॉलम ए रीड द नेम्स इन कॉलम बी कंप्लीट द सेंटेंस इन कॉलम सी आपको क्या करना है कॉलम ए में पिक्चर देखना है कॉलम बी का उसके साथ रिलेशन है कॉलम बी में कुछ नाम है और आपको फिल करने हैं उसके रिलेशन में कि वो समान उस आदमी का है और ऐसे आपको सेंटेंस फिल करने हैं जो कॉलम सी में है ओके फर्स्ट सेंटेंस है आपका फॉर एग्जांपल फर्स्ट में आपका बॉल का पिक्चर है और बॉल किसकी है सारा की है नाम किसका दिया हुआ है सारा का नाम दिया हुआ है सो so, सेंटेंस बनाए दिस इज साराज बॉल किसका बॉल है ये सारा का बॉल है साराज बॉल बॉल का रिलेशन किसके साथ है सारा के साथ है बॉल किसका है सारा का है करण और पिक्चर में शूज है दीज आर शूज नेक्स्ट है आपका कैट का पिक्चर है और आमिर दिस इज आमिर कैट क्या लगाएंगे नाम के साथ ए एस लगाएंगे ओके बुक का पिक्चर है और सैम है दीज आर सैम्स बुक आप देख सकते हैं सारे नाम के साथ क्या लगाना है हमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है ओके okay? नेक्स्ट है आपका डॉल है और नाम क्या दिया है आपका रितु दिस इज रितुज डॉल डॉग है डॉग्स हैं और डायना दीज आर डायनाज डॉग्स ओके लुक एट दीज पिक्चर एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेज यूज द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स फॉर हेल्प आपको इन सेंटेंस को फिल करना है फिर से दो लोगों के दो लोगों का नाम या उनका रिलेशन दिया है और आपको सेंटेंस फिल करना है दिस इज डेविड ही इज जीनाज फादर देख सकते हैं आप एग्जांपल में जीना के साथ फादर का रिलेशन है जीनाज फादर किसका फादर जीना का फादर है ओके okay? नेक्स्ट है आपका दिस इज तेज शी इज ऑप्शन में क्या है होमी और मदर तो क्या होगा होमीज मदर दिस इज अली और ब्रैकेट में क्या दे रखा है आपका आयशा ब्रदर तो क्या होगा ही इज आयशाज ब्रदर नाउ नेक्स्ट इज दिस इज माय कैट है और बास्केट है तो क्या होगा दिस इज माय कैट्स बास्केट ये मेरे कैट का बास्केट है दिस इज माई फ्रेंड है और डॉग दिया है तो क्या होगा दिस इज माई फ्रेंड्स डॉग ये मेरे दोस्त का कुत्ता है ओके नेक्स्ट सेंटेंस है आपका अंकल uh, और कार दे रखा है और सेंटेंस है दिस इज माई अंकल्स कार ये मेरे अंकल का कार है दिस इज अ चाइल्ड और रूम दे रखा है तो क्या होगा दिस इज चाइल्ड रूम ये बच्चे का कमरा है देर आर पॉर्क्यूपाइन और कुल्स दे रखा है दीज आर अंस क्वल्स पोर्क्यूपाइंस क्वल्स किसका क्वल्स है पॉर्क्यूपाइन का कुल्स है वर्ड एंड यूज रीड दिस सेंटेंस अमित हि सिस्टर मदर एंड फादर वेट टू द फेयर बाय बस अमित उसकी बहन उसके मम्मी पापा फेर किस चीज से जाते हैं मेले में किस चीज से जाते हैं बस से जाते हैं अब बस दैट रन्स ऑन रोड बस एक ऐसा व्हीकल है जो कि रोड पे चलता है ओके लुक एट दीज पिक्चर डू यू नो वॉट दीज व्हीकल्स आर कॉल्ड इन पिक्चर्स को देखिए आपको पता है कि इन पिक्चर्स में दिए हुए जो गाड़ी मोटर है व्हीकल्स हैं वाहन हैं उनको क्या कहते हैं राइट द करेक्ट नेम ऑफ दीज वेहीकल्स आपको इन वेहीकल्स के सही नाम लिखने हैं फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप फर्स्ट सेंटेंस में पिक्चर में क्या दे रखा है कार है दिस हैज फोर व्हील्स एंड ट्रेवल ऑन रोड इसके चार चक्के होते हैं और ये सड़क पे चलती है किसके चार चक्के होते हैं और सड़क पे चलती है पिक्चर में क्या है कार सी ए आर कार दिस मूव्स वेन यू टर्न द टू पैडल आपके पिक्चर में क्या दे रखी है साइकिल का फोटो दे रखा है कौन सा ऐसा व्हीकल होता है जो जिसके दो पैडल्स होते हैं बाइस्किल बी आई सी वाई सी एल ई बाइस्किल दिस मूव्स ऑन वॉटर हेल्प ऑफ ओर्स एंड सेल्स ये पानी पे चलती है किसकी मदद से ओर्स की मदद से पतवार की मदद से और सेल्स की मदद से ये क्या है पिक्चर में जो दे रखा है बोट बी ओ ए टी बोट दिस हैज एन इंजिन मेनी कैरेजेस ज्वाइन टू ईच अदर एंड मूव्स अलोंग अ रेल ट्रैक इसके बहुत सारे इसके इंजन होते हैं इसके बहुत सारे कैरेजेस होते हैं इसमें बहुत सारे डब्बे होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं मूव्स अलोंग जलोंगा रेलवे ट्रैक और ये एक ट्रैक पे पटरी पे चलती है आप डायग्राम में देख सकते हैं इसे क्या कहते हैं ट्रेन टी आर ए आई एन ट्रेन दिस इज अ मशीन दैट फ्लाइज इन द एयर ये एक ऐसा मशीन है जो हवा में उड़ता है आप पिक्चर में देखिए क्या है ये एरोप्लेन ए आर ओ पी एल एनी एरो दिस इज अ वेरी लार्ज बोट दिल्स अक्रॉस द सी ये एक बहुत बड़ा नाव है जो कि समुद्र में सागर में चलता है आप डायग्राम में देखिए क्या है ये शिप एस एच आई पी शिप सम वेहीकल्स मूव ऑन लैंड सम मूव्स ऑन वॉटर एंड सम मूव्स इन द एयर कुछ ऐसे वाहन हैं जो जमीन पे चलते हैं कुछ पानी में चलते हैं और कुछ हवा में चलते हैं राइट द नेम्स ऑफ दीज वहीकल्स एन एक्सरसाइज ए इन द करेक्ट कॉलम एक्सरसाइज ए में दिए हुए वहीकल्स के आपको करेक्ट कॉलम में नाम लिखने हैं रन ऑन लैंड कौन कौन से लैंड पे चलते हैं कार बस बाइस्किल सेल्स ऑन वाटर शिप बोट याच फ्लाइज इन द एयर एरोप्लेन हेलीकॉप्टर जेट प्लेन ये सारे कहाँ उड़ते हैं हवा में उड़ते हैं फंक्शन रीड दी सेंटेंसेस विल यू गिव मी विल यू गिव इट टू हिम प्लीज ज्योति आस्क द लिटिल गर्ल क्या तुम ये उसे दे दोगी प्लीज ज्योति छोटी लड़की से पूछती है वी मेक पोलाइट रिक्वेस्ट वेन वी आस्क समू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग हम बहुत ही विनम्र रिक्वेस्ट करते हैं किसी से विनम्रता के साथ किसी से कुछ मांगते हैं या फिर किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं कुड यू पास द सॉल्ट प्लीज़ क्या तुम मुझे नमक दोगे क्या तुम मेरी तरफ नमक बढ़ा दोगे विल यू प्लीज हेल्प मी क्या तुम मेरी मदद करोगे प्लीज़ कैन आई बोरो योर पेंसिल क्या मैं तुम्हारा पेंसिल ले सकता हूँ तो हम ये सारी चीजें बहुत विनम्रता से बहुत ही पोलाइटली किसी से कुछ मांगते हैं या कुछ कहते हैं योर टीचर इज अवे आपके टीचर कहीं बाहर हैं सम ऑफ योर फ्रेंड्स आर शाउटिंग इन द क्लास आपके दोस्त शोर मचा रहे हैं आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करना है आपको विनम्रता से निवेदन करना है कैसे आप निवेदन करेंगे प्लीज स्टॉप शाउटिंग कृपया शोर मचाना बंद करें यू नीड अ फ्यू शीट्स ऑफ पेपर आस्क योर फ्रेंड फॉर अ शीट आपको कुछ कागज़ों की कुछ पेपर्स की ज़रूरत है अपने दोस्त से आपको पेपर मांगना है आप कैसे उसे पेपर मांगेंगे प्लीज कैन यू गिव मी फ्यू शीट्स ऑफ पेपर कृपया करके मुझे कुछ पन्ने पेज दे दो यू आर डूइंग योर होमवर्क योर ब्रदर इज सिंगिंग लाउडली आप अपना होमवर्क कर रहे हैं और आपका भाई जोर से गाना गा रहा है आप उसे कैसे मना करेंगे विल यू प्लीज कीप गोइट क्या तुम कृपया करके क्या तुम चुप रहोगे यू वॉन्ट टू लुक एट योर फ्रेंड्स पिक्चर बुक आप अपने दोस्त के पिक्चर बुक को देखना चाहते हैं आप उससे कैसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज कैन आई सी योर पिक्चर बुक यू वॉन्ट योर मदर टू बायू अटोरी बुक आप अपनी मम्मी से एक स्टोरी बुक खरीदने के लिए कहना चाहते हैं आप कैसे कहेंगे कैन यू प्लीज बाय मी अटोरी बुक नाउ राइटिंग सेक्शन इन द स्टोरी यू रीड अबाउट हाउ अमित लॉस्ट एंड फाउंड हिस्स टॉय रेबिट नाउ रीड दिस पैराग्राफ अबाउट हाउ नीता लॉस्ट हर टॉय कार नीता कैरीज अ बैग ऑफ ग्रेप्स एंड होल्ड हर फेवरेट टॉयकार नीता अपने हाथ में एक बैग पकड़ी हुई है जिसमें कि अंगूर है और एक हाथ में वो अपना कार पकड़ी हुई है जो कि उसका फेवरेट मनपसंद कार है फेवरेट है शी वेट्स एट द बस स्टॉप और वो बस स्टॉप पे खड़ी है सडनली नीता कैन नॉट फाइंड हर टॉय कार और अचानक उसे उसका टॉय कार नहीं मिलने लगता है शी लुक्स ऑल अराउंड हर वो अपने चारों तरफ देखती है इट इज नॉट इन हर हैंड वो उसके हाथ में भी नहीं है इट इज नॉट ऑन द ग्राउंड और वो जमीन पर भी नहीं है शी डज नॉट फाइंड इट एनी और वो उसे कहीं भी नहीं मिलता नीता इज वेरी सैड नीता बहुत दुखी है शी बिगैन्स टू क्राई और वो रोने लगती है नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ अबाउट हाउ नीता फाउंड हर टॉय अब आपको नीचे दिया हुआ पैराग्राफ कंप्लीट करना है कि नीता को उसका खिलौना उसका टॉय कार, उसका खिलौने का कार कैसे मिला लुक एट द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर हेल्प आपको ब्रैकेट में दिए हुए हेल्प की मदद लेनी है और ये सेंटेंस फिर कंप्लीट करना है पैराग्राफ कंप्लीट करना है शी गोज होम वो अपने घर जाती है लेटर नीताज मदर फाइंड हर टॉय कार उसकी माँ को उसका टॉयकार मिलता है इट इज इन द बैग ऑफ ग्रेप्स जो की ग्रेप्स वाले बैग में अंगूर वाले बैग में था नीता इज वेरी हैप्पी नीता बहुत खुश है शी स्माइल्स वो मुस्कुराती है नीता टेल्स आर पेरेंट्स वो अपने पेरेंट्स को कहती है आई विल बी केयरफुल विथ माई थिंग्स मैं अपनी चीजों के साथ बहुत केयरफुल रहूंगी सतर्क रहूंगी ओके okay? तो इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है फिनिश हो जाता है अगर आपको ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो